हम सीधा आपको कोलकाता लिए चल रहे हैं। कोलकाता की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस वक्त रोड शो चल रहा है। ये प्रस्तावित था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो। इससे पहले आज उन्होंने एक जनसभा को भी संबोधित किया था और इस जनसभा में ममता सरकार पर जमकर बरसे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त रोड शो कर रहे हैं नॉर्थ कोलकाता में। उत्तरी कोलकाता में है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो। अब आखिरी चरण की वोटिंग बाकी है। 1 जून को वोट डाले जाने हैं। कुल 57 लोकसभा की सीटें हैं जिसमें 1 जून को वोट डाले जाएंगे। आप देखिए तस्वीरों में प्रधानमंत्री मोदी हैं, साथ में सुवेंदु अधिकारी भी उनके साथ इस जो उनका रथ है इसमें सवार हैं। और ख़ास बात यह है कि यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो कर रहे हैं। आज ममता बनर्जी ने भी पदयात्रा निकाली है और दोनों जगहों के बीच, क्योंकि ममता बनर्जी ने सेंट्रल कोलकाता में पदयात्रा की और वहाँ से तकरीबन 6 किलोमीटर का फासला है इस जगह का, नॉर्थ कोलकाता का, जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त रोड शो कर रहे हैं। इस रोड शो की शुरुआत प्रधानमंत्री ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण से की। पहले नेताजी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए, फूलमाला चढ़ाई प्रधानमंत्री ने, और उसके बाद नॉर्थ कोलकाता में, उत्तरी कोलकाता में ये रोड शो इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। खास बात यह है कि पश्चिम बंगाल में इस बार बीजेपी ये दावा कर रही है कि 400 पार का जो टारगेट बीजेपी ने सेट किया है उसमें पश्चिम बंगाल का बहुत अहम रोल होने वाला है। ये दावा बीजेपी की ओर से किया जा रहा है और बीजेपी नेता इस बात को लगातार कह रहे हैं कि इस बार पश्चिम बंगाल में बीजेपी 30 से ज़्यादा सीटें जीतकर इस बार आएगी और ममता बनर्जी की टीएमसी का सूपड़ा साफ कर देगी। ये दावा लगातार किया जा रहा है, कई रैलियों के दौरान हमने देखा। और इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार करने के लिए नॉर्थ कोलकाता में, उत्तरी कोलकाता में मौजूद हैं, जिसकी ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये रोड शो के बारे में जानकारी ये है कि ये पूरे नॉर्थ कोलकाता को रोड शो कवर करेगा और करीब 2.5 किलोमीटर लंबा ये रोड शो होगा। यानी कि जिस तरह से आप देख रहे हैं कि रथ पर सवार होकर पीएम आगे बढ़ रहे हैं, करीब 2.5 किलोमीटर का डिस्टेंस इस दौरान प्रधानमंत्री कवर करेंगे, तय करेंगे। और रोड साइड में आप देखिए जैसा उनकी हर रोड शो में होता है, बिल्कुल बैरिकेड्स साइड में किए हुए हैं, लेकिन बड़ी संख्या में लोग आपको दिखेंगे, बीजेपी के झंडे आपको दिखेंगे। पिछली बार के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 18 सीटें जीती थी पश्चिम बंगाल में, और इस बार बीजेपी ये दावा कर रही है कि 30 से ज़्यादा सीटें वो जीतने जा रहे हैं।